अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। संडे का दिन है और आई होप आप लोगों का संडे का दिन आज अच्छा गुजरेगा। मेरा भी आगाज़ जो है ना बच्चों के नाश्ते से किया है, मीठा पराठा बना के दिया और ख़ुद मैंने जो है ना छोटी सी चपाती और अरवी के सालन के साथ वो खाई थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और फिर संडे का दिन होता है कि कहीं जाना नहीं होता, चलो घर में कुछ रह के स्पेशल बना लिया जाए, तो मैंने ये चिकन फ्ले जो है ना फ्रीज हुए हुए थे इनको निकाला है। इनको सिरके और नमक के पानी में रख देना है 1-2 घंटे के लिए। इससे थोड़ा सा सिरके से इसकी स्मेल भी जो है ना ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ये जल्दी से खुल भी जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसको मैं छोड़ दूँगी। और आज काफ़ी अर्सा हो गया, बहुत ही अर्सा ही हो गया कि ना ऑयलिंग की है अपने भी और बच्चों के भी। तो मैं भी ये ना वॉशरूम से ये लेने आई थी ऑयल कोकोनट, तो ये करूँगी। यहाँ पे मैं सरसों के तेल की जो है ना चैम्पी करूँगी इनके सर पे, सबके सबको बैठा के लाइन में ना उनके सर पे चैम्पी कर देनी है। अच्छा जी, यहाँ से कुछ मैंने जोड़े निकाले हैं। मेरी वार्डरोब का कोई हाल नहीं सच्ची, मैं जो है ना आयरन करने से इतनी जान छुड़ाती हूँ ना, मेरा कोई कपड़ा भी आयरन नहीं हुआ हुआ। अब मैंने कुछ निकाले हैं जोड़े क्योंकि मैंने कल कहीं जाना है और उसके लिए मैंने कहा एक जोड़ा निकाल के सिर्फ एक ही प्रेस करूँगी, ज़्यादा नहीं मैं कर सकती। और कुछ इसमें एक तो ऐसे हैं जो मैंने पहने ही नहीं हुए, टैग लगे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनको ना ही छेड़छाड़ करूँ, चलो अगले साल के लिए पड़े रहने दूँ, ठीक है ना। तो अब भी ये एक दफ़ा पहनूंगी तो फिर इसको वॉश करने के बाद वो चीज़ पुरानी ही हो जाती है, ठीक है। तो फिर मैं यही वाला निकाल लेती हूँ, ये भी मैंने एक दफ़ा पहना है। मैं ये जो दो जोड़े निकाले हैं ना, तीन, ये इन पे टैग लगे हुए वैसे ही पड़े हुए, तो इंशाल्लाह अगले साल यूज़ हो जाएंगे। तो सोचा फिर ये वाला जो है ना, मैंने इंटर रोप का जो 3 पीस है ना ये निकाला और उसको हैंग प्रेस करूँगी, फिर हैंग कर दूँगी। अच्छा जी, इसको मैंने 2-3 दफ़ा उसका पानी निकाला, उसे वॉश कर लिया। अब इसको जो मसाले लगा के मैरिनेट कर दिए हैं, अब इसको जो है मैं जितना मुझसे हो सका ना, मैं अगर 6 बजे तक इसको मैरिनेट करूँगी, शाम को ही बनाऊँगी। आपको तो बताया नहीं बनाना क्या था। अच्छा, बनाना ये था KFC स्टाइल जिंगर बर्गर बनाने हैं, तो उनके लिए फ्ले को मैं मैरिनेट कर दिया है, तो उनको रखूँगी। जितनी मैरिनेशन अच्छी होगी ना, उतनी आपका फ्ले जो ना जूसी और मज़े का बनेगा, ठीक है ना। थाई के फ्ले हों तो ज़बरदस्त हैं, अगर ब्रेस्ट पीस के हों तो भी चल जाता है। तो बस अच्छा जी, अब इनको कर लिया था तो अब टाइम काफ़ी हो गया था, मतलब असर के बाद का टाइम है ये, मगरब अभी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी इनको निकाला, इनको कोटिंग की इनकी, तो अब मैं ये फ्राई कर रही हूँ। इतने मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये ना, जो जिंगर के पीस कह लेंगे और जो चिकन फ्ले कह लें। अब मैंने ये 2-3 कर लिए हैं, कुछ 2-3 फ्राई हो रहे हैं। मैं आपको चले एक की असेंबलिंग करके दिखा देती हूँ। 1-2 की तो बच्चों को बड़ी लग रही थी भूख, जब बच्चों को पता चल जाता है इस किस्म की चीज़ बन रही है, बर्गर पास्ता पिज़्ज़ा, तो उनकी भूख का कोई अलग ही हाल होता है। और जब उन्हें पता हो कि सालन रोटी बन रहा है, चावल बन रहा है, तो बस फिर उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जिनको अच्छी तरह सेक लेना है बटर लगा के, बंस को दोनों साइड्स को, मतलब जो बंस की होती हैं अंदर वाली साइड्स को, उनको अच्छी तरह मैंने सेका। और उसके बाद जी मैं अब ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो उसको मैंने मेयोनीज़ जो है ना इस पर लगा देनी है, ठीक है, नीचे भी अच्छी तरह। और जो सैलड लीव्स हैं उनको अच्छी तरह मैंने अकेले अकेले पत्ते को जो ना हाथों से मल मल के धोया, उसके बाद मैंने भी उसको ठंडे पानी में ना फ्रिज में रख दिया था, और ताकि फ्रेश रहें, देखें कितने फ्रेश हैं। अब इनको अच्छी तरह मैंने साफ़ किया टिशू के मदद से, ताकि सारा पानी शानी जो है ना इसका सोख हो जाए और ड्राई ड्राई से हो जाए। तो ये मैं इस तरह इस पर बिछा दूँगी, बस नॉर्मल से रखूँगी, ये ना कि फिर बच्चे बाद में निकालें, वैसे तो खा लेते हैं, तो अगर ज़्यादा इसको रखूँगी तो फिर वो निकाल निकूल देंगे। तो ये बस मैंने बस इतने इतने पीस रखने, से बड़े बड़े पीस नहीं रखूँगी क्योंकि ननी ननी जाने हैं, तो यही खा लें तो बड़ी बात है। तो ये बेटे के मैंने डबल कर दिया है, तो बेटी का भी थोड़ा रखा, उसे ये भी नहीं खाया जाना, ठीक है। बेटा तो अल्हम्दुलिल्लाह खा लेगा सारा, तो बेटी से ये किस्तों में खाती है वो। अब थोड़ी सी केचप लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, ठीक है ना, तो जिंगर का अपना टेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो बस फिर इसकी दूसरी साइड पर मेयोनीज लगा के ना, तो इसको अच्छी चिली गार्लिक जो है ना केचप होती है वो मैंने इसमें यूज़ की है, और इस तरह इसको करके, तो बस इसको फिर बटर पेपर में रैप करके और साथ में फ्राइज़ दूंगी। और साथ में जब भी बर्गर पिज़्ज़ा खाओ ना, तो साथ में बहुत दिल करता है कि आप कोक या 7-Up इस तरह की चीज़ पिए, उसके बगैर खाया ही नहीं जाता। तो फिर कोक तो नहीं, आई थिंक 7-Up जो है ना साथ चलाऊंगी। ये इनके रैप करके प्लेट्स बना दी हैं, और छोटे बेबी जो है मेरी, वो जो है ना बर्गर नहीं खाएगी, उसको मैंने वैसे ही जिंगर के पीस छोटे छोटे करके ना उसको फ्राई कर दी थी और फ्राइज़ खा ली थी। तो ये मेरी मज़े की फ्राइज़ भी रेडी हो गई हैं सारी। तो अब जी मैं बाकी के बना रही हूँ, उनको मैंने दे दी हैं फ्राइज़, उनको मैंने अभी नहीं दी, इनको थोड़ी देर के बाद दूँगी, थोड़े थोड़े से खा लेंगे। तो उन्होंने पहले ही फ्राइज़ खा के ना अपना जो पोर्शन है ना वो पेट का टम्मी का वो कम जो है ना भर लेना, और फिर बर्गर नहीं खा जाना। ये लें जी मेरे सारे के सारे जो मैंने बनाने थे बना लिए हैं, अब मैं और मेरे हस्बैंड जो इसको इन्जॉय करेंगे। तो बहुत मज़े के जो है ना ये बनते हैं,
तो मैंने भी ज़्यादा मैं नहीं बनाती ज़्यादा, मेरे बन कबाब ही बनते हैं, मुझे वो थोड़े से हैवी ये ज़्यादा हैवी लगते हैं, जो कबाब वाले होते हैं ना वो थोड़े से मुझे लाइट लगते हैं। तो ये एक खा के अब बिल्कुल फुल हो जाता है, आई थिंक ये फ्राई होते हैं इस वजह से भी। ये लें जी, मैं अपना इन्जॉय कर रही हूँ, मेरे ग्लास में 7-Up मैंने डाल ली है, ठीक है। और ये मैं अब टीवी देखते देखते ना जो है ड्रामा आजकल चल रहा है वो कौन सा संडे को याद आ गया, वो है हम कहाँ के सच्चे, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, तो वो वाला मैं बड़े शौक से देखती हूँ, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।